जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक दोनों में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की हम बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल पर गेहूं का पंजीयन है वह पोर्टल पर चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह में यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, एमपी ऑनलाइन संचालक हैं और यदि आप भी चाहते हैं कि अपने सेंटर पर किसानों का पंजीयन करें, तो इसके लिए दोस्तों आपको आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। और आईडी और पासवर्ड के लिए आपको किस तरह से पोर्टल पर पंजीयन करना है, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो कि क्या प्रोसेस है। इसके लिए दोस्तों आपको ई उपार्जन पोर्टल की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे दोस्तों जो कि अपने पंजीयन केंद्र का पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ पे अन्य उपयोगकर्ता के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पेज है वह ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो कि आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक कियोस्क पंजीकरण निर्धारण का है और एक है पंजीयन केंद्र लॉगिन का। तो यहाँ पे दोस्तों कि अपने कियोस्क का पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ पे कियोस्क पंजीकरण निर्धारण के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पेज है ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो कि अपने कियोस्क का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जिले का सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे तहसील और यहाँ पे आपको उस गांव को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका पंजीयन केंद्र है। बात करें दोस्तों जो कि यहाँ पे संस्था के प्रकार में, जो भी आपका एमपी ऑनलाइन संचालक है, यदि सीएससी संचालक है, सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों जो कि संस्था के कोड में, तो यदि आप एमपी ऑनलाइन संचालक है, सीएससी संचालक है, तो यहाँ पे अपने सीएससी या कि एमपी ऑनलाइन की आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे अपने संचालक का नाम को फिल करना है और संचालक का ही आधार कार्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है और यहाँ पे अपनी मेल आईडी और अपने सेंटर का यहाँ पे पता को फिल कर देना है। सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सत्यापन करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे ओटीपी को फिल करना है और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रबंधक की जानकारी को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बात करें दोस्तों जो कि यहाँ पे ऑपरेटर की जानकारी में, तो यदि आप ऑपरेटर को किसी और को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन को फिल करना है और यदि आप ऑपरेटर में स्वयं ही बनना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी ही जानकारी को फिल करना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों कि आए हुए ओटीपी को फिल करना है। और बात करें दोस्तों कि दस्तावेज के प्रकार में, तो यदि आप एमपी ऑनलाइन संचालक हैं, सीएससी संचालक हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा इसको जेपीजी फॉर्मेट चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका आवेदन है वह सक्सेसफुल हो जाएगा और संबंधित जिला फूड अधिकारी के द्वारा आपकी आईडी को मैप कर दिया जाएगा और इस तरह से दोस्तों आप अपने सेंटर पर किसानों का पंजीयन कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।